Good morning, 9th Standard English Medium, GT Sheth Vidyalay. Very warmful welcome in our video lecture series. 9th Standard na vidyarthiyo ne khyal chhe. Apde hamna WhatsApp ma video lecture na madhyam thi study kariye chhe. Me aapne vaat kari thi, hu tamari language teacher chhu ane mare tamne tran bhashao vishay nu gyan apvanu chhe. Gujarati, Sanskrit ane Hindi. Apde akha week ne distribute kariyu chhe be tran vibhag ma. सोमवार ने मंगलवार आप गुजराती द्वितीय भाषा भणीए छे, बुधवार गुरुवार हिंदी भाषा भणवानी छे, शुक्र ने शनिवार आप संस्कृत विषय की बात करीशुं। तो आज आप हिंदी लैक्चर है, ये हमारा हिंदी का जो आज का लैक्चर है, मुझे लगता है आप बहुत ही एन्जॉय करेंगे। और आज मैं आपको हिंदी भाषा की जो पुस्तक हमको पढ़नी है उसके बारे में आपको प्राथमिक परिचय दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हिंदी कक्षा 9 की पुस्तक जिसे हमें पढ़ना है। ये भी हमारी द्वितीय भाषा है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं ना उनको हिंदी प्रथम भाषा होती है। हम इंग्लिश मीडियम में हैं इसलिए हिंदी हमारी द्वितीय भाषा है। तो ये हिंदी हमारी पुस्तक है, किसी के पास होगी वैसे PDF के माध्यम से हमने आपको ग्रुप में सभी पुस्तकें भेज दी हैं, आप देख लीजिएगा। तो अनुक्रमणिका में जब देखते हैं तो 24 लेसन्स हमें पढ़ने हैं इस बार हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, और बहुत ही अलग अलग तरह के विषय के अनुसार, अलग अलग विधाओं के अनुसार यहाँ पे हिंदी के लेसन का चयन किया गया है। काव्य प्रकार है, गद्य है, पद्य है, दोहे हैं, कहानी है, एकांकी है, निबंध है, तो बहुत सारे हिंदी के साहित्य स्वरूप इस बार आपके सामने पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। जब आप पुस्तक पढ़े अपने हाथ में लेंगे, अनुक्रमणिका देखेंगे तो आपको परिचय होगा। वैसे हमें पूरे साल में ये 1 to 24 लेसन कंप्लीट करने हैं। अभी तो ये जो एक पूरा वीक आपके सामने वीडियो के माध्यम से हम बात करें, फिर हम आपसे लाइव बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग एक ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें जब आपके स्टूडेंट आईडी आ जाएंगे ना तब आपको इसमें शामिल करेंगे और आपके लाइव लेक्चर्स हम आपके साथ लेंगे। तो अभी तो वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको, मैंने जैसे पहले बताया, हिंदी विषय के प्राथमिक परिचय में आपको देती हूँ। जैसे ये 24 लेसन है उसके बीच बीच में यहाँ पर अभ्यास भी है। अभ्यास किसके है? व्याकरण का अभ्यास है, जैसे मुहावरे हैं, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य रचना है, कहावतें हैं, शब्द संरचना है, और फिर है वाक्य और वाक्य के प्रकार हैं। इसके बाद स्वर संधि के बारे में बताया गया है, फिर समास के बारे में बताया गया है, और जैसे पूरक वाचन के भी 4 यहाँ पे अलग लेसन दिए गए हैं। वैसे एग्जाम में ये पूरक वाचन पूछा नहीं जाता, लेकिन हर पाठ्य पुस्तक में अगर आपको किसी को क्वेश्चन हो कि मैडम ये पूरक वाचन का क्या मतलब है, ये जो पूरक वाचन है ना वो आपके सामने जो श्रेष्ठ साहित्य सृजन होते हैं ना उसकी कृतियाँ रखकर आपको एक नई तरह के विधा के बारे में बताया जाता है। तो पूरक वाचन इसका मतलब ये, देखो पूरक वाचन यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग इसलिए है कि इतना तो आपने पढ़ लिया, फिर और 4 लेसन पढ़ ले ताकि आपको हिंदी साहित्य के प्रभाव के बारे में पता चले। हिंदी साहित्य में कवियों ने, लेखकों ने कितना मातबर प्रदान किया है वो पता चले, इसलिए सप्लीमेंट्री रीडिंग का ये महत्व है। तो इस तरह से हम पूरी पाठ्य पुस्तक में से ही हम अपना व्याकरण भी पढ़ेंगे। और आपको एक और बात बता दूँ, अगर 10th में अगर आप हिंदी रखेंगे तो 9th का व्याकरण ही 10th में पूछा जाता है। वैसे कुछ व्याकरण है जो पाठ के पीछे यानी कि स्वाध्याय में दिए जाते हैं, जैसे समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, फिर रूढ़ी प्रयोग है, मुहावरे हैं जिसे कहते हैं हम हिंदी में, फिर कहावतें हैं, फिर कर्तुवाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, संधि है। तो ये सभी चीज़ पुस्तक में जब आप कोई पाठ पढ़ेंगे तो उसके पीछे स्वाध्याय में दी गई है। उसके उपरांत यहाँ पे जो अभ्यास मैंने अभी आपके सामने पढ़े
उसका भी हमें अध्ययन करना है, कहावतों का अध्ययन करना है, वाक्य रचनाओं का अध्ययन करना है, संधि का अध्ययन करना है, और सबसे बड़ी बात समास का अध्ययन करना है। यही समास 10th में भी पूछे जाते हैं। अगर आप देखिए 10वीं कक्षा में आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या आप संस्कृत रखें या आप हिंदी रखें। अगर आप हिंदी रखना चाहेंगे तो यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में जो व्याकरण है वही व्याकरण 10th में रिपीट होता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप हिंदी का व्याकरण मुझसे पढ़े तब दिल लगाकर पढ़े, ध्यान से पढ़े, तर्क शक्ति से पढ़े, क्योंकि व्याकरण है ना वो मेमोराइज थिंग्स नहीं है। व्याकरण क्या है? अंडरस्टैंडिंग थिंग्स है, आपको समझना है। आप जब ग्रामर समझेंगे तभी आप एग्जाम्पल के बारे में क्लियर होंगे। ग्रामर प्रैक्टिस और समझ, ये दो बातें हैं। ग्रामर में यही कहा जाता है कि अगर आप एक बार तर्कबद्ध समझ लें और अगर आप उसके बारे में प्रैक्टिस करें तो आपको व्याकरण के बारे में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही साइंटिफिक मेथड से सभी भाषाओं का व्याकरण होता है। वैसे कभी कभी आपको गुजराती हिंदी का व्याकरण सिमिलर लगेगा, हाँ वही है, क्योंकि हमारे भारत की सभी भाषाओं की मातृभाषा जननी कौन है? संस्कृत। सभी मातृभाषाओं, जैसे अगर आप राजस्थानी बोली ले लें, अगर आप पंजाबी ले, मराठी ले, अगर उड़िया ले, अगर साउथ की कुछ लैंग्वेज ले, तो बहुत सारे ऐसी वॉकेबलरी है, ऐसी शब्द संरचनाएं हैं जो बिल्कुल संस्कृत से या ली गई है या उससे मिलती जुलती है। तो हमारी जब माँ एक हो तब बच्चों की भाषा में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमें उसका बहुत ही गौरव है, होना ही चाहिए। हमें हिंदी बहुत, अभी पिछले जब से टेलीविज़न अस्तित्व में आया है तब से सभी भारतवासियों की हिंदी शुद्ध हो गई है, क्योंकि अब हम रोज़ हिंदी सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो मातृभाषा बाद में सीखते हैं, पहले हिंदी सीखने लगते हैं, क्योंकि वो प्रचार प्रसार का माध्यम है ना, हमारे मस्तिष्क पर बहुत असर करता है। इसलिए अब हमें तो अभ्यास के तौर पर हिंदी भाषा का विवरण करना है, अभ्यास करना है, विवेचन करना है। तो हम तो अपने तरफ से बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आपको है ना भाषा का प्राथमिक ज्ञान मिल गया है, अब आपको साहित्य का ज्ञान लेना है। देखिए माध्यमिक कक्षा और उच्चतर माध्यमिक कक्षा में भाषाओं की समझ साहित्यिक रूप से होती है, क्योंकि लिखना पढ़ना ये सब तो आपको आ गया है, प्राथमिक परिचय भाषाओं का आपके पास है, आपके पास वॉकेबलरी भी है, शब्द भंडोर भी बहुत सारा है, वो भी कोई चिंता नहीं। आपको ग्रामर भी आता है, क्योंकि प्राइमरी में बहुत कुछ ग्रामर हम सीख लेते हैं। तो अब क्या सीखना है? अब हमें साहित्य का रस लेना है। कौन सा रस? साहित्य में 9 रस दिए गए हैं, तो हास्य रस है, विभत्स रस है, शांत रस है, वीर रस है, तो इन रसों का लुफ्त उठाना है। किसके माध्यम से? गद्य और पद्य की कृतियों के माध्यम से। और एक चीज़ हमें पढ़नी है, हमें जो बहुत नामी गिरामी लेखक हैं, कवि हैं, कवियत्री हैं, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। तो अब 9th स्टैंडर्ड में भाषा का ये महत्व है। तो आइए सबसे पहले मैंने आपको पुस्तक बता दी है, ये ही हमारी हिंदी की पुस्तक है। इसमें अनुक्रमणिका में 24 लेसन है। सबसे पहला लेसन है आराधना, जो एक बहुत सुंदर काव्य है, बसंत बापट का काव्य है, और जिसमें प्रार्थना की गई है ईश्वर से। फिर दूसरा लेसन है न्याय मंत्री, एक बहुत सुंदर कहानी है, श्री सुदर्शन जी ने लिखी है, और इसमें राजा अशोक के बारे में बताया गया है। फिर है क्या निराश हुआ जाए, वैसे टाइटल हमें क्वेश्चन पूछता है क्या निराश हुआ जाए, तो मैं हर बार ये कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, कभी भी निराश होना नहीं है। ये एक निबंध है और ललित निबंध इसे कहा जाता है। साहित्य में किसी विषय पर अपने विचार और किसी के रेफरेंस डाल के जो लिखा जाता है निबंध, उसे ललित निबंध का, ललित यानी कि आर्टिस्टिक ऐसे राइटिंग। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बहुत पंडित लेखक हैं, उन्होंने ये निबंध लिखा है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला निबंध है। फिर है चौथी जो हमारे सामने कृति है, वो है कर्ण का जीवन दर्शन, एक खंड काव्य है, दीर्घ काव्य, जो दीर्घ काव्य, बड़ा सा काव्य,
काव्य वैसे तो आपने छोटे छोटे पढ़े हैं 15-20 लाइन के या 25 लाइन के, लेकिन कुछ काव्य दीर्घ काव्य की श्रेणी में आते हैं, बहुत लंबे होते हैं। उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, उसे खंड काव्य कहते हैं, जिसे लिखा है रामधारी सी जी दिनकर। वो भी हिंदी साहित्य के शिरमौर कवि है, बहुत सुंदर। इसमें कर्ण की फिलोसोफी, कर्ण किससे पहचाना जाता है, कर्ण दान से पहचाना जाता है, चैरिटी से पहचाना जाता है। तो कर्ण का जीवन दर्शन क्या है, ये रामधारी सिंह जी दिनकर ने हमें इसमें बताया है। फिर है स्वराज्य की नींव, ये एकांकी है। आपको पता है नाटक वगैरह आपने देखा होगा, नाट्य मंचन भी देखा होगा, एक ही दृश्य में पूरा नाटक कंप्लीट हो जाए उसे एकांकी कहते हैं। वैसे नाट्य परंपरा संस्कृत साहित्य से ली गई है। एकांकी होते हैं, द्विअंकी होते हैं, चतुरंकी होते हैं, षष्ठ अंकी भी होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे नाटक होते हैं, तो जिसमें सिर्फ एक ही दृश्य में, यानी कि जो स्टेज है वहाँ कुछ भी चेंज न हो, जहाँ से नाट्य शुरू होता है उसी सीक्वेंस में नाटक पूरा हो जाता है, उसे एकांकी कहते हैं। और ये विष्णु प्रभाकर जी ने ये एकांकी लिखा है। ये भारत के आज़ादी के पहले 1957 में जब क्रांति हुई थी, हमारे राजा महाराजाओं ने क्रांति की थी, उस दौरान का, उस जमाने का ये नाट्य एकांकी है, स्वराज्य की नींव, जिसका मुख्य पात्र है महारानी लक्ष्मीबाई। वीरत्व वाला एकांकी है, जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक व्याकरण है, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य रचना, वो हम जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। और फिर है लेसन नंबर 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना, वो लेजेंड पर्सनालिटी है इस सदी की। उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े लेखक थे, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक थे, और उनकी माताजी तेजी बच्चन वो पत्रकार थी। तो अमिताभ बच्चन जी के माताजी और पिताजी काफ़ी पढ़े लिखे थे, और उनकी एक समाज में बहुत बड़ी लेखक के तौर पर एक इमेज थी। तो उन्हें, उनके जो हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है, क्या याद करूं क्या भूलूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें से एक छोटा सा अंश, आत्मकथा अंश यहाँ पे लिया गया है, और शीर्षक दिया है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। जब हम उसके बारे में बात करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, और उनकी आत्मकथा का अंश इस लेसन में हमें पढ़ाया गया है, दिया गया है। इसके बाद है लेसन नंबर 7, सूरदास के पद, कृष्ण के साथ सुदामा मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। कृष्ण की भक्ति के बारे में तो क्या कहा जाए, नरसिंह, मीरा, सूरदास, फिर बहुत सारे ऐसे हिंदी साहित्य में कवि हैं, गुजराती में भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने सिर्फ कृष्ण काव्य लिखे हैं। तो सूरदास जी के पद, सूरदास जी ऐसा कहा जाता है, आँखों से वो अंधे थे लेकिन उनकी मन की आँखें प्रभु को नित्य नूतन देखती रहती थी, मन की आँखों से वो दर्शन करते रहते थे श्री हरि के, श्री कृष्ण स्वरूप का। तो उनके पद में भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति अभिव्यक्त की गई है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे जब सूरदास के पद पढ़ेंगे तब। फिर 8वां लेसन है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये एक यात्रा वर्णन है। देखो मैंने कहा था ना कि 9th स्टैंडर्ड में भाषाओं का तो ज्ञान है, लेकिन अब हमें साहित्य के बारे में पढ़ना है, साहित्य की अलग अलग विधाओं के बारे में पढ़ना है, तो यात्रा वर्णन ये भी एक साहित्य का प्रकार है। तो यहाँ पे मोहन राकेश जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, कश्मीर में एक बहुत सुंदर स्थल है गुलमर्ग, जब भी आप कश्मीर जाओ तो गुलमर्ग अवश्य देखना, कोई कोई लोग गए होंगे उन्होंने गुलमर्ग देखा होगा, बहुत सुंदर पहाड़ी है, पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य से भरा हुआ वो स्थल है। अगर वहाँ जाए तो फिर लौटने का नाम न ले, ऐसा सुंदर स्थल है। वहाँ पे मोहन राकेश एक रात रुके थे, और जिस होटल में रुके थे ना उस होटल की खिड़की से उन्होंने एक बरसात की शाम देखी थी, उसके बारे में इस लेसन में बात है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, बहुत सुंदर प्राकृतिक वर्णन वाला यात्रा वर्णन है। जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको भी लगेगा कि हम सब मैडम के साथ गुलमर्ग की शहर के लिए निकले हैं। और इसके बाद है 9वीं जो हमारी यहाँ पे कृति है वो है निर्भय बनो,
ये एक उपन्यास अंश है जिसे फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के बहुत ही मातबर लेखक है। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्य अगर हिंदी साहित्य से निकाल दिया जाए तो 25% लॉस हो जाए। ऐसे अच्छे और ऐसे पंडित लेखक हैं। और उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसका अंश है निर्भय बनो। बहुत सुंदर है, आप जैसे उम्र के लड़कों की बात ही इस पाठ में है। तो हम सब जब पाठ पढ़ेंगे ना तो हमें भी लगेगा कि जीवन में निर्भय बनना चाहिए। और इसके बाद जो कहावतें हमें पढ़नी है, और इसके बाद 10वां लेसन है भारत गौरव मैथिली शरण गुप्त। देखिए, जब मैं यहाँ पे कवि और कवियत्रों की सूची देखती हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में बैठी हूँ और मेरे सामने एक 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 पंडित कवि पंडित लेखक आने लगते हैं। मैथिली शरण गुप्त कितना बड़ा नाम हिंदी साहित्य में, और उनकी एक काव्य रचना है भारत गौरव। जब हम पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि सही में हम बहुत ही नसीब है वाले हैं जिन्होंने हमने जिसे भारत में जन्म लिया है और हम भारत के नागरिक हैं। देखिए 24 लेसन है तो अभी तो थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, इसलिए 1 से 10 जो कृतियां हैं उसके बारे में मैंने आपको परिचय दिया। बस आज इतना काफ़ी है। जब आपके सामने पुस्तक आ जाए ना तब मैं तो हम जब जब छोटे थे ना हम क्या करते थे, जब नई कक्षा में आते थे ना तो नई पुस्तक आए ना तो पूरे दिन सबसे पहले भाषाओं की पुस्तक पढ़ते थे, फिर पूरा विज्ञान देख लेते थे, फिर पूरा एसएस देख लेते थे सोशल साइंस, फिर मैथ्स देख लेते थे, फिर साइंस देख ले, पूरी पुस्तक एक बार पढ़ लेनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है उससे क्या होता है, ऑल ओवर आइडिया हमें आ जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर में क्या है। तो यही सही तरीका है अभ्यास शुरू करने का, पूरा पुस्तक एक बार पढ़ लें जो भी सामने आए। जब आपके सामने पुस्तक, हम प्रयत्न कर रहे हैं आपको जल्दी से पुस्तक मिल जाए, हमें जब मिलेंगे तब आपको श्योरली प्रोवाइड कर देंगे, चिंता ना करें। अभी जैसे हम सबका वीडियो देखे, वीडियो से फैमिलियर हो, और अगर आपको कुछ क्यूरियोसिटी हो तो हमारे प्रिंसिपल सर ने आपको PDF भेजे हैं जिस PDF में सभी पाठ्य पुस्तक हैं। तो इस तरह से आज हम हिंदी का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर हिंदी भाषा के बारे में आपसे बात करेंगे और जो कृतियाँ हैं उसका परिचय मैं आपको दूंगी। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और हाथ बार बार धोते रहें। बाहर ना ही निकले, अगर निकलना हो तो मास्क पहन के निकले, और स्वच्छ और स्वस्थ खाना खाएं, अभ्यास में मन लगाएं, खुश रहें और औरों को भी खुशियाँ बांटें। इसी अच्छे संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।